हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो आप भी इसे ज़रूर बनाना और बताना कि ये कैसी लगी। तो और काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी इजी भी है इसे बनाना, और एक क्विक बन जाती है। जैसे कई बार होता है ना, हम जल्दी में होते हैं कि क्या बनाएँ बच्चों के लिए या सबके लिए जैसे ब्रेकफास्ट में, तो ये काफ़ी क्विक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल लेना है और उसके साथ लेना है रागी का आटा। तो ये रागी का आटा है जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। एक कटोरी से थोड़ा कम है ये, तो मैंने ये इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ जो सूजी होती है, वाइट सूजी होती है, वो डाली है मैंने इसमें, ऑलमोस्ट हाफ बाउल, ठीक है। और हमने सेम क्वान्टिटी में हाफ कटोरी ही डालना है इसमें राइस का आटा। तो चावल का आटा हम मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया था। और इसके बाद हमने इन सबको मिक्स कर देना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं, जैसे जीरा डाला है और नमक डाला है, ठीक है। आप चाहें तो और भी मसाले अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जीरा और सॉल्ट ही डालने वाली हूँ। इसके बाद हमने इसमें डालनी है ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली से इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो कोशिश करें कि ग्रीन चिल्ली ही डालें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे, बहुत ही छोटे ओनियन चॉप किए हैं, वो डाले हैं, चॉप्ड ओनियन डाल दिए इसमें। और इसके बाद इसमें डालना है हमने हरा धनिया, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं कर्ड। तो जो नॉर्मल स्पून होती हैं वो ली है मैंने यहाँ पर, तो 4 या 5 स्पून आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो कर्ड है उसे ऐड कर दिया है, और अब इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको जो नॉर्मल पानी होता है उसकी हेल्प से अभी इसे घोल बनाना है, और घोल बनाते समय थोड़ा थोड़ा पानी हमने इसमें ऐड करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएँ और अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गुड, तो इसी तरह करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे इसमें पानी ऐड करते जाइए। और ये मैं बता रही हूँ आपको, इतना हेल्दी है, ठीक है। इसमें कैल्शियम है, जो रागी होती है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो सारी ही अच्छी चीज़ें हैं इसमें। तो इस तरह से आप इस घोल को तैयार कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा जो है पतला चाहिए ये आटा, ये घोल जो है थोड़ा सा पतला चाहिए, क्योंकि हमें इसका डोसा बनाने वाले हैं। तो डोसे के लिए हमने थोड़ा सा लिक्विड चाहिएगा, आटा जो है इसका घोल जो है वो थोड़ा सा लिक्विड चाहिएगा। तो इस तरह से देखिए बना के, आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। अगर टाइम नहीं है तो आप इसको इंस्टेंटली भी बना सकते हैं, इसी टाइम आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा गरम हो चुका है तवा, तो इस पर हल्का सा आपने घी लगाना है, ठीक है। हल्का सा घी लगाने, अच्छे से गरम कर लेना, हल्का सा घी लगाना है। जो घोल है वो देखिए इतना पतला होना चाहिए, इसको हमने इसके ऊपर फैला देना है। तो यहाँ पे ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैं ऊपर से फैलाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो तवा है वो अंदर से थोड़ा डीप के जैसे है, तो जैसे मैं आटा डालती हूँ, घोल डालती हूँ, वो अंदर चला जाता है, इसलिए मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। आपका बिल्कुल फ्लैट है तो भी आप इसी तरह से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नहीं बनाती हूँ, छोटे ही बनाती हूँ। तो इस तरह से डालने के बाद मैंने इस पर थोड़ा सा घी डाल दिया, और जो फ्लेम है उसका ध्यान रखना है, बहुत सिम नहीं, फुल पे नहीं करना है, और बहुत कम भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम रखना है हमने। तो मीडियम फ्लेम रखने के बाद इस तरह से ये देखिए, आपको दिख रहा होगा वो पकना स्टार्ट हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, जैसे वाइट था तो हल्का सा डार्क हो जाएगा। जैसे आपको लगे कि सिकना स्टार्ट हो गया है, तो हमने इसको पलट देना है। तो इस तरह से इसलिए पलट सकते हैं हम इसको। तो पलटने के बाद जो है दूसरी तरफ भी हमने इस पर हल्का सा घी, अगर ज़रूरत है तो लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये बन जाएगा। फ्लेम का बस आपने ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो को स्टॉप नहीं किया, ताकि मैं आपको पूरी तरह से दिखा सकूँ। तो ये देखिए, हमारा बनके तैयार हो चुका है, और अब मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है, जल्दी से देख लीजिए आप। इस तरह से घोल को लेने के बाद आपने ऊपर से डालना स्टार्ट करना है, और ये अंदर की तरफ अपने आप चला जाएगा। आप चाहें तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं,
तो इस तरह से एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर बनाना और बताना मुझे कि कैसा लगा। और बहुत ही जल्दी ये डोसा, क्विक डोसा बनके हमारा रेडी हो जाता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना हो सके शेयर और लाइक करना। तो इसी तरह से जो ब्रेकफास्ट है मेरा वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये है फाइनल लुक इसका, आप बताना। इसे आप चटनी के साथ, कोकोनट की चटनी के साथ या नॉर्मल जो टमाटो होता है उसकी चटनी के साथ खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।